हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोडीज टेस्टफुल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक झटपट सोया नगेट्स की सब्जी। इसके लिए मैंने एक टेबलस्पून सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लिया है, गैस को हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और ये सब्जी झटपट बनती है और टेस्टी बनती है और भरपूर है प्रोटीन से। आधा चम्मच हमने डाल दिया है जीरा। अब हम डालेंगे इसमें ये एक बड़ा कटा हुआ प्याज। जीरा देखिए अब भुन गया है, आपको मैं दिखाऊं, इधर जीरा भुन गया है। अब हम डालेंगे इसमें ये प्याज। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। एक टेबलस्पून के करीब तेल हमने इसमें डाला है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं और जो भी ऑयल आप खाते हैं, अगर आप रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो आप उसमें बना सकते हैं। प्याज भूनने का इंतजार करते हैं। जब तक प्याज भून रहा है तब तक मैं आपको बताऊं, ये देखिए सोया नगेट्स को मैंने पहले अच्छे से पानी में थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर बॉईल कर लिया है और इनको स्क्वीज कर लिया है अच्छे से ना, इसको देखिए निचोड़ लिया है, इसका जो भी पानी है उसको अच्छे से निचोड़ लिया है, पानी स्क्वीज करके रख लिया है। एक आलू हमने काट लिया है, तो प्याज भूनते हैं जरा। और देखिए ये प्याज जो है ना हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, देखिए आप अच्छे से दिख रहा है ना आपको। जब ये ऐसे ब्राउन होना शुरू हो जाए तो हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें किचन किंग, आधा चम्मच के करीब, आधा से पौन चम्मच आप किचन किंग डाल दीजिए। इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे मसाले को और बहुत बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। देखिए कुछ इस तरह का ही लगने लग जाता है। अब हमने क्या किया है, दो लाल टमाटर लेके ना उनकी प्योरी बना ली है, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, एक हरी मिर्च को काट लिया है, वो हम प्याज भुनने के बाद इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक। अदरक का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है, ग्रेट कर लीजिए अदरक को, चाहे तो बारीक काट लीजिए। अदरक डाल देंगे और मसाला जो है अच्छे से भुनने देंगे, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुना होगा सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और जो मिक्सी में हमने ग्राइंड किया था ना, थोड़ा सा जो पानी बच गया है, पानी डाल के मतलब घुमा लेंगे, जो पेस्ट बच गया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से ना भुनने देंगे मसाला। ये देखिए अब जो मसाला है ना वो ऐसे भुन गया, हमने ऑयल तो ज्यादा डाला नहीं, तो छोड़ा नहीं है ऑयल, अदरवाइज क्या है मसाला भुनने की पहचान है कि ऑयल छूट जाता है, तो थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया आपको मसाले ने जो है ये जो कुकर है वो छोड़ दिया है और अच्छे से ये भुन गया। देखिए जब ये ऐसे अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें ये डाल देंगे सोया वड़ियां, सोया चंक्स, ठीक है, इसको अच्छे से एक मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मसाला जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, आप देखिए। और साथ ही हम इसमें आलू भी डाल देंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है ना तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। एक बड़ा सा कटा हुआ आलू हमने ले लिया है, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, बिना आलू के भी बना सकते हैं। इसको हम ऐसे दोनों चीजों को अच्छे से भून लेंगे और जितनी हमें ग्रेवी रखनी है ना उतना हम अब इसमें पानी डालेंगे। देखिए कितने अच्छे से भून गया, हाई फ्लेम पर हमने इसको भून लिया है और अच्छे से इसमें मसाले जो है वो कोट हो गए हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी, जितनी आपको तरी रखनी है, क्योंकि ये सोया नगेट्स ना पानी पिएंगे, आपको गाढ़ा रखना है तो आप गाढ़ा रख सकते हैं, थिक ग्रेवी लेनी है तो। और ये देखिए है ना बढ़िया सा कलर, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे
और कुकर को कवर कर देंगे विसल आने के लिए। तो ये जो ऐसे उबलने लगा, हमने इसकी ग्रेवी को टेस्ट करके देखा तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और ये 1/4 टीस्पून या 2 पिंच के करीब घर का भुना गरम मसाला, घर का बना हुआ, वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, 3 विसल आने के बाद ना हमने कुकर को खोल लिया है, जल्दी जल्दी विसल आ गई थी, तो ये बहुत अच्छे से देखिए गल गए हैं आलू और बहुत सॉफ्ट ये हो गई हैं वड़ियां। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये कलर आया है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। सब्जी बहुत यमी लगने वाली है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, आप इसको कटे हुए धनिए से गार्निश कर सकते हैं। मैंने पुदीने की पत्ती लगा दी है क्योंकि मेरे पास आज धनिया नहीं था। और हल्का सा मैं इसमें ना ऊपर से जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा घी डाल के भी सर्व कर सकते हैं। तो ये यमी सी सब्जी, बहुत आसान सी, बहुत हेल्दी और बहुत ही कम मसालों के साथ ये सब्जी बनाइए, जरूर खाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।